हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी ब्लॉग। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि गर्भ में बेबी बॉय की मूवमेंट कब से शुरू होती है। अगर आपके बेबी बॉय है तो उसकी मूवमेंट आपको कब से फील होगी अगर पेट में आपके बेबी बॉय है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी जो आपकी क्वेरी हो। और मैंने एक नया चैनल बनाया है बेबी केयर के नाम से, उसमें मैं बेबी से रिलेटेड सारे वीडियो डालती रहती हूँ। तो अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आप मम्मा बन चुकी हो, तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बताते हैं आपके एक्टिविटी या आपकी चीज़ों को सिम्टम्स देखे कि आपके बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे फील करी है, जिससे मुझे लगता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें होंगी तो बेबी बॉय है और इस तरह की चीज़ें हैं तो बेबी गर्ल है। जो आपका एक्सपीरियंस होता है, जो आपके साथ वालों का एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ। आपको जो कहा जाता है लड़कियां होती हैं वो पेट में बहुत सुपर एक्टिव होती हैं और बॉयज सुस्त होते हैं, तो ये एकदम सच है। पेट में लड़कियां बहुत ही अच्छे से एक्टिविटीज़ करती हैं, उनके मूवमेंट आपको 3 से 4 मंथ के बीच में समझ में आने लगते हैं। हालांकि वो मूवमेंट बहुत ही हल्के होते हैं, तो कुछ ही मम्मा को समझ में आते हैं वो मूवमेंट, लेकिन बच्चा जो आपकी लड़की जो गर्ल होती है वो मूवमेंट जल्दी स्टार्ट कर देती है। लड़कों के अकॉर्डिंग लड़के थोड़े सुस्त होते हैं आपके गर्भ में, तो वो अपनी मूवमेंट थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, उनकी मूवमेंट स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है। लेकिन जब बर्थ हो जाता है तो लड़कियां सुस्त हो जाती हैं और लड़के एक्टिव हो जाते हैं। बर्थ से पहले पेट में लड़कियां एक्टिव रहती हैं और जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़े से सुस्त होते हैं। 3 से 4 मंथ का जो टाइम होता है उसमें अगर बेबी आपका मूवमेंट कर रहा है तो भी वो इतनी लाइट मूवमेंट होती है कि उसको आप जल्दी पहचान नहीं पाते हो कि ये मूवमेंट ही हो रही है या फिर गैस का या फिर कुछ और प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक्चुअली वो मूवमेंट होती है जो कि बहुत लाइट सी बबल्स जैसी होती है, क्योंकि उसमें बेबी का वेट बहुत कम होता है तो वो हलचल ज़्यादा ना समझ नहीं आती, लेकिन उसको मूवमेंट ही कहा जाता है। अगर वो आपके 3 मंथ से 4 मंथ में हो रही है तो एक्चुअली वो आपके फिर बेबी गर्ल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें आपके बेबी बॉय के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि अगर आपको जल्दी हलचल हो रही है तो आपके गर्ल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप पहली बार माँ बन रही हो, पहली बार कंसीव किया है, तो आपको मूवमेंट समझने में थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो अगर 3 से 4 मंथ के बीच में आपको टाइम नहीं समझ में आ रहा मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, तो अब हो सकता है 5 से 6 मंथ के बीच में आपको समझ में आए कि हाँ मूवमेंट हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि बेबी की जो मूवमेंट है ना अकॉर्डिंग टू वेट होती है, उनका उस समय वेट बहुत कम होता है, बहुत लाइट से नाजुक से होते हैं, तो उनकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा समझ में नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं बेबी बॉय की मूवमेंट की। तो बेबी बॉय की जो मूवमेंट होती है वो 5th मंथ से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है तो आपको वो भी समझ में नहीं आती है, वो भी समझने में आपको 6 मंथ लग जाता है। मुझे पर्सनली 5th मंथ में कोई मूवमेंट फील नहीं होती थी, जबकि होती थी मूवमेंट, अल्ट्रासाउंड में दिखती थी कि मूवमेंट हो रही है, बट मेरे को फील नहीं होती थी। मुझे फील होना स्टार्ट हुई मूवमेंट 6 मंथ में, जब बेबी का वेट 1.5 किलो से ऊपर हो गया था, उसके बाद मुझे फील होना स्टार्ट हुआ कि हाँ मूवमेंट हो रही है। तो वो 6 मंथ था और मुझे फील होना स्टार्ट हुआ कि हाँ बेबी मूवमेंट कर रहा है। फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आता था कि बेबी कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। एक्चुअली डॉक्टर से मैं जब पूछती थी तो वो कहती थी कि 10 बार अगर बेबी मूवमेंट कर रहा है तो बेबी एकदम हेल्दी है, पर मुझे समझ नहीं आता था कि बेबी की मूवमेंट कितनी बार हो रही है, पता नहीं हो भी रही है कि नहीं हो रही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत वरीड रहती थी कि पता नहीं बेबी हेल्दी है कि नहीं है, बेबी मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं अल्ट्रासाउंड कराती थी डॉक्टर से, उसके बाद पूछती थी, तो डॉक्टर कहती थी बेबी प्रॉपर मूवमेंट कर रहा है और कोई इशू नहीं है, बेबी हेल्दी है। तो फिर उसके बाद इसलिए मैं आप लोग को हर बार कमेंट में बताती हूँ कि अगर आपको कोई इशू लग रहा है कि बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा या फिर समझ नहीं आ रहा, तो ये हर न्यू मदर्स के साथ होता है, तो आप प्लीज़ अल्ट्रासाउंड कराते जाते हो जब, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछो कि बेबी मेरा हेल्दी है कि नहीं है, वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं है। अगर वो डॉक्टर कहती है मूवमेंट कर रहा है तो आप उससे पूछ भी सकते हो, तो मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, तो वो आपको एक्सप्लेन करेगी अच्छे से। आप एक फ्रेंड की तरह अपने डॉक्टर से सारी चीज़ें शेयर करोगे तो वो आपको हर चीज़ की सही जानकारी आपको डॉक्टर अभी खुद भी देगी, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम मदर बनने वालों की ना जो डॉक्टर्स होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करती हैं अपने पेशेंट को। तो आप अपने कोई भी क्वेश्चन होते हैं वो आप फ्रेंकली अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो। तो बेबी बॉय की जो मूवमेंट होती है वो 5 मंथ से स्टार्ट हो जाती है, हो सकता है आपको समझ में आते आते 6 मंथ लग जाए, लेकिन 6 मंथ से फिर वो ऐसी मूवमेंट होगी कि आप अगर नहीं भी समझना चाहते हो तो वो आपको समझ में आएगी कि हाँ मेरा बेबी मूव कर रहा है।
बेबी की मूवमेंट कभी कभी कम कभी कभी ज़्यादा हो सकती है, बेबी का अपना मूड होता है, अपनी जो एक्टिविटी का उसका मूड है उस अकॉर्डिंग भी वो मूवमेंट करता है। कभी कभी बेबी सुस्त हो जाता है, कभी कभी सुपर एक्टिव हो जाता है। तो जब सुपर एक्टिव होता है तो वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, और जब सुस्त होता है तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मूवमेंट से भी काम चला लेता है। लेकिन अगर आपका बेबी जो है हल्की फुल्की मूवमेंट कर रहा है, फिर भी 10 टाइम कर रहा है, 10 टाइम कर रहा है, तो आपका बेबी हेल्दी है, आपको इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका बेबी अगर आपको लग रहा है कि एक दिन से अभी तक उसने नहीं की मूवमेंट, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तो आप इसको ज़्यादा टाइम तक टाले नहीं, क्योंकि ये लास्ट 6 मंथ के बाद आपको अपने बेबी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा, जो कुछ डाउट लग रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके मिले, अल्ट्रासाउंड कराएं। डॉक्टर कहती है अल्ट्रासाउंड में आप अपने डॉक्टर से सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको 18 से 20 वीक के बीच में मूवमेंट बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। अगर थोड़ा बहुत टाइम लगता है ज़्यादा, तो 24 वीक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर 24 वीक के बाद भी आपको अपने बेबी की मूवमेंट नहीं समझ में आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलके अपनी ये प्रॉब्लम को उससे शेयर करना चाहिए, और डॉक्टर से जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वो आपको करना चाहिए, ताकि आपके बेबी को और आपको कोई इशू बाद में ना रहे। बेबी मूवमेंट जो है बेबी गर्ल की 3 मंथ से स्टार्ट हो जाती है, 3 से 4 मंथ से स्टार्ट हो जाती है। बेबी बॉय की 5 से 6 मंथ से 100% स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस पीरियड में अगर आपको एक बार भी नहीं लगा कि 4-5 मंथ कंप्लीट हो गया और मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, तो अपने डॉक्टर को सर जाकर जरूर बताएं। तक बेबी की मूवमेंट नहीं समझ में आई है, तो 5th मंथ से आपको बेबी की मूवमेंट समझ में आने लगेगी, या फिर अगर आपको 1st-2nd मंथ प्रेगनेंट चल रही हो, तो 3rd-4th मंथ से बेबी की मूवमेंट समझ में आने लगेगी। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। ये वीडियो यहीं तक है, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।